गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी सर में। आज है 7 नवंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। पुराने संविदा कर्मी भुगत रहे हैं दर्द, सरकार फिर फौज बढ़ाने की तैयारी में। जिन राज्यों में चुनाव वहाँ संविदा भर्ती का विरोध, लेकिन राजस्थान में सरकार का नहीं छूट रहा है मोह है। विद्या संबल सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा की भर्ती। दोस्तों अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो वीडियो को रोक के आराम से पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। स्टेनोग्राफर सहित 1061 पदों पर नौकरी के अवसर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में निकली ये भर्ती है। 7 दिसंबर अंतिम तिथि। विशेषज्ञ अधिकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। पंजाब एंड सिंध बैंक में ये निकली भर्ती है। ट्रेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। NLC इंडिया लिमिटेड में ये भर्ती निकली है। 16 नवंबर अंतिम तिथि। गेट 2023 अब 8 नवंबर से करें आवेदन फॉर्म में संशोधन। 14 नवंबर अंतिम तिथि। वनपाल भर्ती, आधे से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। 45.79% रही उपस्थिति। परीक्षा खत्म होते ही बसों में लगी भीड़। पहली चाल चलकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने शुरू की शतरंज प्रतियोगिता। इंदिरा गांधी जयंती पर शुरू होगा चेस इन स्कूल कार्यक्रम। 3 स्तर की जांच के बाद एंट्री। परीक्षा देने नहीं आए आधे अभ्यर्थी। वनपाल भर्ती परीक्षा 23,088 में से मात्र 11,121 परीक्षार्थी रहे उपस्थित भीलवाड़ा में। ट्विटर पर लंबे चौड़े टेक्स्ट भी जोड़े जा सकेंगे ट्वीट्स में। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। शिक्षा विभाग, 2 साल बाद हुई परीक्षाएं। 12 लाख विद्यार्थियों को 8वीं बोर्ड के सर्टिफिकेट का इंतजार। प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन। प्रशिक्षण दलों को आज मिलेगा प्रशिक्षण। पद स्वीकृत पर नामांकन सुनने, ऐसे में कैसे होगा विद्या संबल का भुगतान। विद्या संबल योजना की माथापच्ची में फंसे PO। तृतीय भाषा उर्दू में कई विद्यालयों का नामांकन सुनने। कमजोर हो रही खेलों की नींव, खिलाने वाले ही नहीं कैसे जीतें पदक। सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद खाली। गणवेश, अब तक कपड़ा आया नहीं मिली राशि। प्रदेश के 70 लाख से अधिक विद्यार्थी वंचित। 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी देंगे प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा 15 से 17 नवंबर तक। गेस फैकल्टी आवेदन की आज अंतिम तिथि। रिक्त पदों पर उठ रहा है दूसरी स्कूल्स के टीचर का वेतन। शिक्षा विभाग ने 14 वर्ष आयु वर्ग का खेलकूद पंचांग जारी। प्राथमिक विद्यालय स्तरीय बालक बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता 13 से। वनपाल भर्ती में नहीं दिखा क्रेज, आधे से भी कम अभ्यर्थी पहुंचे, फिर भी बसें देर शाम तक ही खचाखच रही भरी। विद्या संबल रोड़ा बने अन्यत्र लगे शिक्षक। स्कूलों में शिक्षक नहीं लेकिन वेतन उठ रहा है, ऐसे में नहीं लग पाएंगे गेस फैकल्टी। 2 माह से वेतन को तरसे संस्कृत शिक्षक। 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd पाठ्यक्रम की अंतिम चरण काउंसलिंग प्रक्रिया कार्यक्रम जारी। 17,231 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वनपाल भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न उदयपुर। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।